वेलकम बैक। अब हम आ चुके हैं ग्रीन वैली की तरफ। ग्रीन वैली के सब रास्ते में जा रहे हैं, ग्रीन वैली का रास्ता। और ये इसका रास्ते की खूबसूरती चेक कीजिए, ज़बरदस्त। ये एक और नए दिन में आपको खुश आमदीद करते हैं। आज का हमारा प्लान था वैसे तो शोभना नारा कागन तो जाने का, मगर कैंसिल किया था। हम रुके थे और उसके रुकने के बाद हमने फिर से यहीं से दोबारा अपना सफ़र जारी किया। फ़िलहाल हम जा रहे हैं ग्रीन वैली की तरफ, ग्रीन वैली से फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा प्लान क्या बनता है। आपको अभी ग्रीन वैली के नज़ारे दिखाते हैं। ग्रीन वैली कालाम और ये अपना सवात एरिया में शामिल है। ऑलराइट गाइस, ग्रीन वैली टर्न इनटू द स्नो वैली नाउ। ये टोटल ग्रीन वैली है, फिलहाल इसे स्नो वैली कह सकते हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी हाइक करते हैं। वैसे तो जाना स्टेयर्स की तरफ से चाहिए था, मगर यहाँ से भी मज़ा आएगा। पैर धस रहे हैं लगातार, चला जा नहीं रहा। हम लोग ज़ाहिर बात है स्नो के हिसाब से तो शूज़ लेके नहीं आए थे, मगर ये है कि मज़ा आ रहा है। बॉयज़ इन्जॉय कर रहे हैं। बादल आ चुके हैं, कह रहे हैं कि आज शायद बारिश हो जाए, पर बारिश का सीन लग नहीं रहा। खैर हम यहाँ से जब तक तो चले जाएंगे। पहाड़ों के दरमियान मौजूद मैं इस वादी में जब भी आता हूँ तो ये वादी मुझे सुकून और इत्मीनान का वो गहरा एहसास मुहैया करती है जो सिर्फ फितरत ही हमें दे सकती है। इस वादी की खूबसूरती का सहर मुझ पर इस हद तक तारी हो जाता है कि मैं ख़ुद को एक अलग दुनिया में महसूस करने लगता हूँ। बहते दरिया की आवाज़, पत्तों की सरसराहट मेरी रूह को वो सुकून मैसर करती है जो ज़माने की भीड़ भाड़ शोर शराबे में कहीं गुम हो गई हो जैसे। इन बुलंदो बाला पहाड़ों की जानिब बढ़ता मेरा हर कदम मुझे ये एहसास दिला रहा होता है कि ये पहाड़ मुझे पुकार रहे हैं, जैसे दो बिछड़े महबूब तवील अरसे की जुदाई के बाद मिलने के मुंतज़िर हों। इन पहाड़ों के शहर से मैं तो आज़ाद नहीं हो सका और ना ही कभी ऐसा सोचा कि मुझे फितरत के इस अजीम शाहकार से आज़ादी नसीब हो, मगर मैं पहाड़ों और इन हसीन वादियों में दोबारा आऊँगा। हम दोबारा मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। दूर जाकर वापस मिलने का लुत्फ भी दुबाला हो जाता है, दोबारा से ये मज़ा चखेंगे। दोबारा मिलने के लिए बिछड़ना होगा मेरे पहाड़ों, इसलिए अलविदा अलविदा अलविदा। तो यहाँ ग्रीन वैली में ड्रोन की इजाज़त तो नहीं थी, ड्रोन की परमिशन के हमने लेनी पड़ी। स्पेशल थैंक्स थ्रू पाकिस्तान FC जिन्होंने हमें परमिशन दी और इस खूबसूरत इलाके को एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिला। बेटा मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा। One hour later.
ऑलराइट गाइस, हमें एक जाते जाते एक एडवेंचर मिल गया। एडवेंचर ये है कि हम जाएंगे दरियाए सवात पर। ये देखें, दरियाए सवात क्रॉस करेंगे इस लिफ्ट के थ्रू और सामने तक जाएंगे और व्यू चेक कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, भाई ये अच्छा एडवेंचर हो गया। अच्छा जी, ये है हम लोग और आड़ू के बागात जो इस गांव में हैं। ये गांव में हम आए दरियाए सवात के बिल्कुल साथ साथ ही ये गांव है। तो बस हम गुजर रहे थे, तो गुजरते हुए अचानक हमें एक एडवेंचर मिल गया। हमने कहा चलें ये भी ट्राई किया जाए। अली भाई यहां पर मुकामी लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम है नहीं आगे जाना और इनको मैच की लगी है। मज़ा आएगा वैसे मैच खेलने का। इस वक्त हम दरियाए सवात के बिल्कुल बीचों बीच, जब सैलाब आता है ये दरिया का पानी बढ़ जाता है तो ये सारा एरिया पानी में डूब चुका होता है। फिलहाल दरिया बिल्कुल साइड से जा रहा है। चले जी, मैच शुरू हो चुका है। तीन तीन ओवर का मैच है। ओ वाइड, ओवर, चार रन, मोटे ने मार दिया। भाई जान, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ मैच खेल के? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यूट्यूबर ये बॉल करा रहे हैं और ये शजीर साहब ने छोड़ दी और ये मोटा आउट होते होते बच गया। ये भाई फिर बॉल कराने आए शजीर साहब रनिंग पे, वो बैटिंग पे और ये कैच आउट होते होते बच गए और चार रन। चप्पल पहन के मैच खेलने आए और ये बॉल, बॉल बड़ी तेजी से उठा दी और कैच होते 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 रह गया। शजीर भाई बैटिंग पे आए, अभी तक तो इन्होंने कोई गुल नहीं खिलाया और ये शॉट मारा बड़ा खूब बाउंड्री के बाहर। शेर जी, मुझे तो इन्होंने डिक्लेयर करा दिया जयर भाई आउट होने वाले थे। वाइट है, वाइट। नहीं नहीं लग गई बैट से। अरे बेमानी तो करो ना यार। नहीं नहीं, कराची का नाम नहीं डुबो। शाबाश 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 शाबाश, आउट है। हाँ स्टार्ट हो गया। रेडी, ट्राई बॉल थी। नहीं भाई ये बचपन खत्म हो गया आपका, बुढ़ापा आ चुका है। मुझे दे दो भाई, पहला मैच हम जीत चुके थे, दूसरे मैच में मना कर रहा था नहीं खेलो। नजर तो आए, बस एक ही। एक मैच जीत चुके थे, अच्छे खासे जा रहे थे, इज्जत बन गई थी। भाई ने बोला दूसरा मैच भी खेलें। दूसरे मैच में रन सबसे ज्यादा मैंने बनाए, इन्होंने दूसरे में नहीं 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 मेरी बात सुन, पूरा करवा दिया। मेरी बात सुन, दूसरे मैच में क्या हुआ, पहली बॉल पे साहब बीच में गिल्ली उड़ गई। मतलब कोई शर्म, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन भाई ने एक ओवर भाई, वो तो फिर उन्होंने, वो तो इन्होंने मेहमान नवाज लोग हैं, उन्होंने बोला चलो ठीक है यार, बच्चे को माफ किया, वरना तो इन्होंने पहली बॉल पे इज्जत की नीलाम कर दी थी पूरे कराची की। सर मैच खेल लिया, मैच खेल के वापस अपने डोली लिफ्ट में बैठ चुके हैं। शजीर भी आ चुके हैं। ये मैच हो रहा भाई, भाई अल्लाह के। ऑलराइट गाइस, एक और प्लान में चेंजिंग आ चुकी है। हंस लो हंस लो,
प्लान में ये चेंजिंग है कि जो हमारे अली भाई हैं ना, इनको बार बार आइडियाज़ देने का बहुत शौक है। वो आइडिया ये था कि पहले हम जा रहे थे शोकरा के आगे, फिर कागान का अगर वहाँ पे रोड ओपन होता तो वहाँ जाते, मगर बैठे बैठे अचानक याद आया कि दर्रा आदम खेल जाए। तो ठीक है भाई, प्लान चेंज करते हैं, पेशावर चलते हैं, पेशावर से दर्रा आदम खेल चलते हैं। दर्रा आदम खेल में अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया है कि आ रहे हैं, और जना आप भाई जान ऐसा नहीं करें, सांस रुक जाता है कंडीशन ऐसी नहीं थी। गाड़ी अल्लाह का वास्ता है, बाद में ये व्लॉग भाभी भी देखेंगे, ऐसा नहीं आपका आना जाना बंद हो जाए। चलें चलते हैं इंशाल्लाह ताला अब दर्रा आदम खेल की तरफ, और वहां जाके मिलते हैं। वेलकम टू पेशावर, आ चुके हैं पेशावर और मोटरवे पे आ चुके हैं। बस अब इंशाल्लाह दर्रा आदम खेल की तरफ जाने का रास्ता है। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, कल मजीद व्लॉग में किसी और जगह पे जाके मिलेंगे। दर्रा आदम खेल में देखते हैं क्या डेस्टिनेशन, क्या टूर हम लोग कवर करते हैं, तो उसके बाद कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, इसको लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। फाइनली पहुंच गए लाला के घर पे, और लाला ने किया है इंतज़ाम माशाल्लाह। बाकी दास्तान सुबह सुनाएंगे आपको, हमारे सफ़र की रुदाद। अभी बहुत भूख लगी है।